इस रिपोर्ट को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन कर रहे हैं कश्मीर स्टील टीएमटी सरिया और एमएस सिटी सर्विसेज करानगर श्रीनगर। साहब ऐसा है कि आपको पता ही है कि हमने 8 मार्च को अपनी पार्टी लॉन्च की थी श्रीनगर में जी। उसके बाद हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने गए और होम मिनिस्टर साहब से भी मिले, तो कई बार बार हमारी टीम जो है वो गवर्नर साहिबान से मिल चुकी है, चाहे वो सत्यपाल मलिक थे, ये अपने मरमू साहब से मिली 3 दफ़ा। तो ये COVID-19 के फैल जाने के बाद सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है वो मफलूज हो गई थी और सरकार ने भी SOP लगा दी थी जिसका हमने पूरा पालन किया और हमने कोशिश की कि भाई हम किसी जगह भी वायलेट इसके ना करें, लिहाजा सारी एक्टिविटीज़ जो थी सारी जमातों की हमारी पार्टी की भी एक्टिविटीज़ जो है वो बंद थी। अब कुछ अर्सा से हमने अपनी पार्टी हेडकोार्टर से अल्ताफ़ बखारी साहब के जो हमारे सदर हैं मोहतरम, उनकी क्यादत में हमने एक नई ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप स्टार्ट किया है जिसमें हमने कुछ अहदेदार स्टेट लेवल के बना दिए हैं, कुछ प्रोविंशियल लेवल के बना दिए हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हमने नॉमिनेट कर दिए हैं। तो आज हमने सोचा कि हम करनाल के लोगों को, चूंकि जिस तरीके से मुझे आप अपनी PDP जो थी उन्होंने जिस तरीके से निकाला था, उसके बाद हमने सोच कर ये मशवरा करने के बाद अचीवेबल एजेंडा लेके हमने जम्मू कश्मीर में मशावरत करके अपने साथियों के समेत अल्ताफ़ साहब बुखारी की क्यादत में एक जमात, नई सियासी जमात जो है वो खड़ी की थी। तो करना में हमने कोई भी एक्टिविटी उसके बाद नहीं कर सकी COVID-19 की वजह से। तो आज हमने सोचा कि हम अपने लोगों को एक मैसेज, एक जो सवाल है उनके जहन में, हमारे जो पिछले वर्कर जो थे वो PDP में जब हम यहाँ इलेक्शन लड़ा हमने या उससे पहले से भी जो लोग थे, तो उनको अपनी पोजिशन हम सामना रखना चाहते थे। मैं और मेरे साथी जो जावेद मिर्चाल साहब हैं, हम दोनों बेसिकली अपनी पोजीशन जो है वाजिया करना चाहते थे कि हम किन हालात में आए, क्या वजह थी, इस पार्टी का एजेंडा क्या है और आगे आने हमारा लायमल क्या होगा। तो क्या स्टैंड है? देखिए, इस वक्त हमने एक अचीवेबल एजेंडा ऑलरेडी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, यहाँ के गवर्नर साहिबान को दे दिया है, जो आपके मीडिया में अवेलेबल है, जो हमारी इश्यूज़ हैं अगर आप के पास ना हो तो मैं आपको भेज देता हूँ। वो एक स्पेसिफिक एजेंडा है कोई 21 पॉइंट से ज़्यादा का, जिसमें टनल्स भी हैं, जिसमें आपके स्टेटहुड का वापसी है, जिसमें डोमिसाइल को क्लियर करना है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, जिसमें टूरिज्म है, और हमारी कंस्टिट्यूंसी के हद तक हमने जो कोई इश्यूज़ हैं मोटे मोटे, जैसे शेल्टर हाउस इंडिविजुअल्स, टनल है हमारी, और हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन है, बहुत सी चीज़ जो है वो हमने दिए हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो एजेंडा जो है वो लेके जाए। हम स्टेट के लिए ऑलरेडी फाइट कर रहे हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ द स्टेट, और हमारे साथ कमिटमेंट भी है। हमारे साथ ही क्या है, पार्लियामेंट में ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हुआ है, PM साहब ने भी कहा कि हम स्टेट जल्दी आपको वापस। तो दो जो थे उनके मेम्बरान अकबर लोन साहब और अपने हसनैन मसूदी साहब, वो तो अरेस्ट नहीं थे, वो पार्लियामेंट में वहाँ पेश भी हुए, वहाँ थे पार्लियामेंट में। लेकिन जो आपका 370 है, राइट फ्रॉम 1940 जब से ये बना है, उसके बाद वक्त की हुकूमतों ने, चाहे वो कांग्रेस की ज़्यादा पोर्शन कांग्रेस था, क्योंकि नेहरू साहब ने खुद कहा था कि ये छिलका है ये गिर जाएगा, खुद बहुत ख़त्म हो जाएगा, दे वेर नॉट सेंसियर अबाउट इट। अगर वो चाहते तो उसको परमानेंट कर सकते थे, लेकिन लोगों ने नहीं किया। यहाँ 2/3 मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास थी, वहाँ मरकज़ में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने ये नहीं किया। और ये इतना आपको पता होगा कि यहाँ प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ सदर रियासत था, यहाँ हाई कोर्ट के अख्तियार था फाइनल, यहाँ इलेक्शन कमीशन अपना था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत डिकेड से चलती आ रही है ये भी, लेकिन ये हम मान के चलते हैं फिर भी हमारी शान थी, वो हमारे तशख्स इसमें बरकरार था 370 में और 35A में। हमें मान के चलते हैं कि दैट वाज ए सैड डे फॉर अस। इतनी ताकत अपनी पार्टी को होगी, वो लोगों की पॉलिटिकल इश्यूज़, इकोनॉमिकल इश्यूज़ और सारे इश्यूज़ को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ की गवर्नर इंतजामिया के साथ बात करेगी और हल करने की कोशिश करेगी। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया, चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान।
अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो टीएमटी सरिया, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी।